हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल फाल्कन स्टडीज। और आज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, उसका क्लास नंबर 6। तो ये हम डिस्कस आज करेंगे क्लास नंबर क्या है ना 6 का, जो भी इम्पोर्टेंट क्या है ना आज क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कुछ क्या है ना आपको नया कॉन्सेप्ट हम बताने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेटल फॉर्मिंग तक चल रहा था, आज उसी के आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्या है ना आपको कॉन्सेप्ट बताने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम मेटल फॉर्मिंग में क्या देखे थे, कुछ फिर हम बात करते हैं मेटल फॉर्मिंग में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्स के बारे में, ठीक है, कहने का मतलब है कि पंचिंग फोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, पंचिंग फोर्स। तो ये पंचिंग फोर्स जो होता है वो हमारा कितना होता था, एल टी टाउ, जहाँ पे क्या होता है एल टी टाउ। याद रखिएगा एक चीज़ को हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक है, कि जो एल जो होता है वो हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ द कट होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, टी यहाँ पे हम आपको क्या बताए थे, थिकनेस ऑफ द सीट। और ए हमारा क्या है, टाउ क्या है, हमारा शियर स्ट्रेंथ। ये हमारा क्या हुआ है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे देखिए क्या बात करते हैं, यहाँ पे एल हम बोल रहे हैं लेंथ ऑफ द कट, जैसे कहने का मतलब है आप क्या है ना इसमें पेरीमीटर यहाँ पे क्या है ना बताए थे, लेकिन ये बेसिकली क्या है ना लेंथ ऑफ द कट है। देखिए जैसे क्या है, ये जो ऑपरेशन जो है मेटल फॉर्मिंग में, जो पंचिंग फोर्स जो है, एक तरीके से ये हमारा शियरिंग ऑपरेशन का ये हमारा केस है। तो जैसे मान लीजिए कि कैंची से कोई भी चीज़ को क्या है ना आप कट कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, शियरिंग हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये हमारा क्या है ना पेज है, अगर इसको देखिए ध्यान से, इसको आप क्या है ना समझिए, ये हमारा कितना हो जाएगा लेंथ है, ये हमारा क्या हुआ ब्रेथ है। अगर हम ब्रेथ के अकॉर्डिंग क्या है ना, अगर इसको क्या है ना कैंची से देखिए, कैंची से अगर हम इसको ब्रेथ के अलोंग कट करेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका शेयरिंग हुआ, तो जो एल का जो वैल्यू जो होगा, एल जो होगा वो हम क्या करेंगे, ब्रेथ लेंगे। ध्यान से इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारा लेंथ है, ये हमारा क्या है ना ब्रेथ है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ क्या है बोल रहा है कि इसको ब्रेथ के अलोंग क्या है ना कट करना है, तो ब्रेथ के लॉन्ग कट करना है तो एल के जगह पे सिर्फ ब्रेथ का वैल्यू होगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर क्या है ना आप कट करना है, क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर कट करना है। तो हमने क्या किया, कैंची लिया, यहां से क्या है ना लेंथ के लॉन्ग गए, फिर क्या है ना यहां पे कट किया, फिर यहां पे कट किया, और फिर यहां पे कट के एक बड़ा सीट से एक छोटा सा सीट हमने क्या है ना निकाला। तो इसमें लेंथ ऑफ कट क्या हो गया, ए हमारा लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ और प्लस ब्रेथ, यही हम पेरीमीटर लेते हैं, ओके। अगर मान लीजिए हमारा सीट है, ये हमारा क्या हुआ सीट है, इससे सर्कुलर होल क्या करना है आपको कट करना है। तो सर्कुलर होल अगर मान लीजिए यहाँ पे बीच में अगर आप क्या करते हैं सर्कुलर होल, यहाँ पे देखिए यहाँ से आपको अगर हम बताएं, अगर बीच से अगर क्या है ना इस तरीके से सर्कुलर होल क्या है ना कट करते हैं, तो देखिए यहाँ से कैंची लगाएंगे और एकदम क्या है ना बिल्कुल क्या है ना एकदम क्या है ना यहाँ तक एकदम पूरा रोटेट करके हम कट करेंगे, तो इसमें जो हमारा लेंथ ऑफ द कट क्या हो जाएगा, पेरीमीटर पाईडी। तो यही पे आपको समझना है कि जो एल जो है वो हमारा लेंथ ऑफ द कट है, वो वेरी करेगा, क्वेश्चन में बताएगा कि वो पूरा कट कर रहे हैं, होल कट कर रहे हैं, या किसी लेंथ या ब्रेथ के अलोंग कट कर रहे हैं। ये आपको क्या ना समझने वाला चीज था, इसलिए हम इस चीज को क्या किए, हम डिस्कस किए। चलिए यहाँ पे एक चीज और बताते हैं, ये हमारा क्या हुआ मैक्सिमम फोर्स, ये जो हमारा जो फोर्स जो देता है, ये हमारा क्या हुआ मैक्सिमम, ये एफ का जो वैल्यू क्या है, हमारा मैक्सिमम पंचिंग फोर्स देता है, ठीक है। अब यहाँ से हम आपको बता दें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से हम जब हम बात करते हैं, ये हमारा क्या होता है इस तरीके के, ये हमारा क्या हुआ, यहां से देखिए ये क्या है इस तरीके का, ये हमारा क्या हुआ वर्कपीस, ये हमारा क्या हुआ वर्कपीस, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं पंच, क्या है बोलते हैं इसको पंच, ये हमारा क्या हुआ डायमीटर ऑफ द क्या है हमारा पंच हो गया, ठीक है। ये जैसे ही क्या हुआ इस पंच को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, क्या करेंगे, एफ फोर्स से क्या करेंगे पंच पे क्या करेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये जो सरफेस है ना कुछ क्या बोलते इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारा
बन जाएगा, ये जो सरफेस जो है ये हमारा इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब इस फोर्स को क्या है ना रिड्यूस करने के लिए क्या कर रहे हैं, इस फोर्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, शियरिंग करते हैं। क्या करते हैं, हम शियरिंग करते हैं। जैसे हम अगर बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यही हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या हुआ, फोर्स क्या हुआ, अगर मान लीजिए कि इस पे हम लगाएं तो ये पंच क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा, यानी कितना डिस्टेंस ये हमारा ट्रेवल करेगा। याद रखिएगा कि अगर यहाँ से हम आपको बताए थे कि अगर आप एनर्जी निकालिए, क्या निकालिए, एनर्जी, ठीक है, या वर्क, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बताए थे, मैक्सिमम फोर्स अब इंटू कितना हो जाएगा, पंच ट्रेवल, यानी कहने का मतलब पी इंटू टी के बराबर, ये हम बताए थे। एफ एम एक्स इंटू कितना हो जाएगा, पी इंटू टी, ये हमारा क्या हुआ, एनर्जी बोलिए या क्या बोलते हैं, वर्क बोलिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर अगर इसी चीज़ को अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स इंटू कितना हो जाएगा, पी इंटू टी, इसी को अगर हम क्या है ना इसको वर्क के बराबर अगर ये हमारा फोर्स एफ आ रहा है, तो एफ इंटू एस यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी हमारा वर्क होता है, और एफ मैक्स इंटू पी टी, ये भी हमारा वर्क हो रहा है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर सकते हैं, जहाँ एस क्या है हमारा सियर ऑन पंच, एस क्या है हमारा सियर ऑन पंच, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इक्वेट करें तो एफ के जगह पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफ मैक्स इंटू कितना हो जाएगा, पी टी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा एस, ये हम एक फार्मूला आपको बताए थे, एफ बराबर एफ मैक्स इंटू पी टी बाई कितना हो जाएगा एस, जहाँ एस क्या है ना सियर ऑन पंच। अब कन्फ्यूजन रहता है यहाँ पे पी के बारे में, देखिए पी इंटू टी को ध्यान से देखिए, अभी पी इंटू टू को बोलते हैं पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन, ठीक है, पी इंटू टू को क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और अगर सिर्फ अगर मान लीजिए कि क्या है ना आपको क्या है ना पी यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए एक बात बताते हैं, पी इंटू टी को हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन बोलते हैं। अगर पी बाई टी अगर आपको दे दिया है, क्या दे दिया हुआ है, पी बाई टी, तो पेनिट्रेशन को, ये पेनिट्रेशन को अगर टी से अगर डिवाइड कर दीजिए तो पी बाई टी को भी क्या बोलते हैं, पी हम बोल सकते हैं कि नहीं, ए पी, देखिए ए पी इंटू टी को ए हम क्या है ना पेनिट्रेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अगर इसको थिकनेस से टी से अगर हम क्या है ना डिवाइड कर दे तो पी बचेगा ना, तो इसको हम बोलते हैं परसेंटेज पेनिट्रेशन, क्या बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ क्या है ना पेनिट्रेशन, या इसको और दूसरा केस में बोल देता है पेनिट्रेशन टू थिकनेस रेशियो, क्या बोलता है, पेनिट्रेशन टू थिकनेस, पेनिट्रेशन टू थिकनेस रेशियो। तो P बाई टी का जो वैल्यू जो है ना वो हमारा क्या हो, इसको मान लीजिए क्या है आपको लेकर चलना है P, ठीक है, पेनिट्रेशन टू थिकनेस रेशियो है, दैट मीन्स क्या वैल्यू दिया हुआ है आपको, P का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करते हैं, अब जैसे अब बात करते हैं शियरिंग, यहाँ पे आपको एक चीज बताते हैं कि हम बोले कि फोर्स को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, हम शियर करते हैं, हाँ, हाँ, तो बस लेंगे ना, हाँ, ये हमारा क्या है ना, ये है पेनिट्रेशन, हाँ पी ही मानना है, और उसके बाद थिकनेस से हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे पेनिट्रेशन दिया हुआ रहेगा ना तो वो पी के जगह पे पुट करना है, और परसेंटेज ऑफ पेनिट्रेशन देगा, परसेंटेज ऑफ पेनिट्रेशन मतलब क्या हुआ, ये हमारा जैसे 0.4 हुआ, 0.2 परसेंटेज में ही रहता है, तो उसको कहाँ पर पुट करेंगे, उस पर यहीं पे पी पे, टी हमारा थिकनेस है उसको और मल्टीप्लाई करेंगे हम, हाँ समझ रहे हैं, तो ये पी इंटू टी के पे परसेंटेज ऑफ पेनिट्रेशन रहेगा, या देखिए पी को क्या बोलते हैं ना, परसेंटेज ऑफ पेनिट्रेशन या पेनिट्रेशन टू द थिकनेस रेशियो हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बोले थे कि आपको शियरिंग हम क्या करते हैं, करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या हुआ पंच हो गया, क्या है ये हमारा क्या हुआ पंच डायमीटर, ये जो है आपका क्या है हमारा पंच, ठीक है, पंच डायमीटर। अब हमको यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सेम क्या है ना, एक हम मान लीजिए ये वर्क पीस लेते हैं, सेम वर्क पीस लेते हैं इस तरीके से, मान लीजिए कि क्या है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हम एफ फोर्स से क्या कर रहे हैं, इसको क्या है ना प्रेस कर रहे हैं, तो क्या करेंगे ना कि फोर्स को अगर हमको रिड्यूस करना है, तो फोर्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शियरिंग करते हैं, तो शियरिंग दैट मीन्स क्या हुआ, ही कहने का मतलब है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से, ये जो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं इस तरीके का अगर हम शेप बनाए हैं, तो इसी को हम बोलते हैं शियर,
क्या बोलते हैं, सीयर, समझ गए। तो ए जो हमारा क्या बोलते हैं, ए अल्फा है, इसको बोलते हैं सीयर एंगल, और यहां से यहां तक क्या है, ये हमारा क्या बोलते हैं, एस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीयर, ठीक है। और ए हमारा कितना है, डायमीटर, ए यहां से अगर हम बात करते हैं, ये हमारा डायमीटर है, ये हमारा क्या बोलते हैं, सीयर है। तो यहां से टेन अल्फा अगर निकालिएगा तो हमारा पी बाई बी यानी एस बाई कितना हो जाएगा हमारा डी, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, एस बाई डी। तो यहां से अगर आपको सीयर एंगल निकालने के लिए क्वेश्चन में बोले तो ए आप क्या ना अल्फा यहां पे क्या कर सकते हैं, आप सीयर एंगल यहां से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां से ध्यान से चीज, एक चीज को हम आपको फील कराते हैं, फ्रूटी या मान लीजिए लस्सी, ठीक है। तो लस्सी में जो आपको क्या है, स्ट्रो जो रहता है, तो उसका जो पीछे और नीचे वाला पोर्शन जो रहता है ना, वो थोड़ा सा स्लाइस कट रहता है, वही स्लाइस कट, दैट मीन्स क्या, सीयरिंग है। क्यों स्लाइस कट रहने के कारण क्या है ना, वो जल्दी क्या है ना, वो क्या बोलते हैं, लस्सी में जो है ना अंदर क्या है ना चला जाता है। अगर वही नहीं रहता तो फोर्स हमको ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता, वही है हमारा क्या है, सीयर, समझ गए। तो यही सीयरिंग हम इसलिए देते हैं ना, ताकि हमारा फोर्स क्या हो जाए, यहाँ पे रिड्यूस हो जाए, समझ गए। और अगर एस यहाँ पे दिया हुआ है तो एफ मैक्स इंटू पी टी बाई कितना हो जाएगा, आपको एस आपको ले लेना है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताए थे कि अगर एस का वैल्यू लेस देन अगर पी टी के अगर बराबर हो, तो यहाँ से एफ जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एफ मैक्स इंटू कितना हो जाएगा, पी टी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एस प्लस कितना हो जाएगा, पी टी के हमारा बराबर होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए कि क्या है हमारा एफ मैक्स इंटू कितना हो जाएगा, पी टी का वैल्यू अगर मान लीजिए क्या है हमारा एफ मैक्स, एफ इक्वल टू एफ मैक्स इंटू पी टी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एस प्लस पी टी। ये कब लेना है, जब एस का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, लेस देन कितना हो जाएगा हमारा, पी टी के हमारा बराबर होगा, तब इस चीज को क्या करना है, आपको यूज करना है, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये आपको क्या है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, अभी हम पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, हाँ, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर हम क्या है, यहाँ पे है गेट, गेट 2014 का एक क्वेश्चन है, सेट नंबर टू का एक क्वेश्चन है। क्या माइल्ड स्टील प्लेट हैज टू बी रोल्ड इन वन पास सच दैट द फाइनल प्लेट थिकनेस इज 1/2 ऑफ द इनिशियल थिकनेस। देखिए क्या बोल रहा है, इस तरीके से हमारा क्या बोलते हैं, रोलिंग का बात कर रहा है। थोड़ा सा इसको क्या है ना, डायग्राम से क्या है ना हम समझते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ से क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि वन पास सच दैट फाइनल थिकनेस, कहने का मतलब ये हमारा एच नॉट है, ये हमारा कितना हो जाएगा, एच एफ है। तो बोल रहा है कि इसका फाइनल जो थिकनेस है यानी एच एफ जो है वो हमारा 2/3 क्या है हो जाएगा ओरिजिनल थिकनेस का। ये हमारा क्या हुआ, एक कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। एच एफ जो है वो 2/3 इंटू कितना हो जाएगा, एच नॉट है। विथ द इंट्रेंस स्पीड, कहने का मतलब है कि जो इसका इंट्रेंस स्पीड जो है वो हमारा वी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर क्या है ना पर मिनट, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एंड रोल डायमीटर जो है यहाँ पे दिया हुआ है, रोल डायमीटर कितना है 500 mm। अब क्या बोल रहा है, इफ द प्लेट वाइडेंस बाई 2% ड्यूरिंग रोलिंग, कहने का मतलब है कि जो प्लेट जो है ना वो हमारा वाइड चौड़ा हो जा रहा है कितना, 2%। कहने का मतलब है कि अगर इनिशियल अगर क्या बोलते हैं विथ कितना है हमारा, क्या बोलते हैं बी आई है, इनिशियल अगर हमारा विथ बी आई है तो फाइनल जो हमारा कितना हो जाएगा विथ जो होगा वो हमारा क्या होगा 2% बढ़ जा रहा है ना, यानी फाइनल जो हमारा बी फाइनल जो हो जाएगा वो 1.02 इंटू कितना हो जाएगा हमारा बी आई के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 2% हमारा इंक्रीज हो जा रहा है, यानी जो हमारा इनिशियल अगर हमारा क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि बी इनिशियल, अगर इनिशियल विथ का बारे में बात करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा इनिशियल विथ के बारे में बात करते हैं, ये हमारा बी आई है, तो इसका जो हमारा फाइनल जो विथ जो होगा वो 1.02 इंटू कितना हो जाएगा बी आई के बराबर होगा। द एग्जिस्ट वेलोसिटी इन क्या हो जाएगा मीटर पर मिनट, यानी कहने का मतलब है कि इंट्रेंस, यानी कहने का मतलब वी आई दिया हुआ है, यहाँ पे वी एफ क्या करना है आपको निकालना है। हम आपको बताए थे कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है वो वी इनिशियल होता है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है वी फाइनल होता है, जो यहाँ पे न्यूट्रल प्लेन पे जो होता है वी आर रोलर वेलोसिटी होता है। समझ में आ रहा है। चलिए एक चीज आपको याद रखने का जरूरत है कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में हमेशा क्या होता है, जो भी हमारा वॉल्यूम जो होता है, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
समझ गए, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम के हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर मान लीजिए कि ये मार्कर है, इसको क्या है ना आप मान लीजिए कंप्रेस करके क्या है ना निकाल दीजिए, तो इसका जो वॉल्यूम है फाइनल का भी भले शेप चेंज हो जाएगा, थिकनेस चेंज हो जाएगा, लेंथ हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है, ब्रेथ चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो जितना मटेरियल इसमें है वही मटेरियल क्या होगा हमारा फाइनल भी रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां पे बोलेंगे कि जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम होगा क्या होगा, जो इनिशियल वॉल्यूम जो है वो हमारा किसके बराबर है, हमारा फाइनल वॉल्यूम के हमारा बराबर होगा दोस्तों। तो यहां पे इनिशियल वॉल्यूम जब फाइनल वॉल्यूम के बराबर होगा तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम लिख सकते हैं ना। यहां से थोड़ा सा यूनिट से खेलेंगे, अगर मान लीजिए एरिया इंटू कितना हो जाएगा लेंथ, इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, यहां मीटर स्क्वायर, यहां पे एल कितना हो जाएगा मीटर क्यूब, ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं। यहाँ तो हम क्या बोलते हैं, हाँ एरिया इंटू कितना हो जाएगा लेंथ, यहाँ पे कितना हो जाएगा एरिया इंटू कितना हो जाएगा लेंथ, ठीक है। ऐसा भी तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया इंटू कितना हो जाएगा वेलोसिटी, तो ए हमारा कितना हो जाएगा एरिया मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी मीटर पर मिनट, तो मीटर क्यूब पर मिनट, ये भी तो हमारा वॉल्यूम ही दे रहा है, रेट वही ना दे रहा है। और यहाँ से ए वन वी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा ए टू वी टू, चलिए यहाँ पे भी मतलब वेलोसिटी, वॉल्यूम नहीं समझिएगा। चलिए तो ए वन हमारा कितना हो जाएगा इसका, अगर हम मान लीजिए कि क्या बोलते हैं एच नॉट इंटू कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू कितना होता है हाइट होता है, तो लेंथ तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, समझ रहे हैं। तो नहीं नहीं लेंथ तो चलिए ठीक है कांस्टेंट उसको लेना है ना, बी इंटू एच रेक्टेंगुलर करके हम क्या है बात कर लेंगे यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए इनिशियल अगर विथ क्या है बी आई है, और अगर मान लीजिए कि हमारा इनिशियल हमारा कितना थिकनेस एच नॉट है, ठीक है, और इंटू हमारा इनिशियल जो हमारा वेलोसिटी कितना है हमारा 10 है, ठीक है, यूनिट याद रखिएगा मीटर पर कितना है मिनट में। तो ए टू हमारा कितना हो जाएगा बी फाइनल, और बी फाइनल आपको दिया हुआ है कितना 1.02 इंटू कितना हो जाएगा बी आई के बराबर है, और जो हमारा क्या हो जाएगा जो एच एफ का वैल्यू जो है मतलब फाइनल थिकनेस जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 2/3 कितना हो जाएगा एच नॉट, और इंटू जो हमारा क्या बोलते हैं हमारा एग्जिस्ट वेलोसिटी है उसको हम क्या करते हैं वी एफ से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि बी आई एच ओ हमारा क्या हुआ बी आई एच ओ कैंसिल हो गया, और उसके बाद अगर वी एफ अगर निकालना चाहें तो यहाँ से कैलकुलेट करके आप क्या कर सकते हैं वी एफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 10 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, यानी कहने का मतलब है 30 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 × 1.02, ये जो होगा ये हमारा वी एफ है, ठीक है, वायर ड्रॉइंग ऑपरेशन, ठीक है, टू स्टेज वायर ड्रॉइंग ऑपरेशन द फ्रैक्शनल रिडक्शन। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो हमारा रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इन एरिया जो होता है ये हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना होता है हमारा ए फाइनल डिवाइडेड बाई क्या होता है ए ओरिजिनल, समझ रहे हैं, यही हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन इन एरिया। परसेंटेज करना होगा तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरा है कि इनिशियल हमारा फर्स्ट स्टेज देखिए इस तरीके से है प्रोसेस, ये हमारा क्या हुआ मान लीजिए कि हमारा क्या हुआ फर्स्ट, मान लीजिए कि फर्स्ट प्रोसेस, और ए उसके बाद ए हमारा क्या हुआ सेकेंड प्रोसेस, ठीक है। मान लीजिए कि ओरिजिनल एरिया क्या है ना, ये हमारा ये ओरिजिनल एरिया है, ठीक है, ये ओरिजिनल एरिया है, ये हमारा ए वन हुआ, ये हमारा ए टू, ये हमारा फर्स्ट स्टेज हुआ, उसके बाद क्या हुआ हमारा सेकेंड स्टेज हुआ, ठीक है, ये ओरिजिनल हुआ, ये हमारा क्या हुआ फर्स्ट स्टेज, और इसके बाद क्या हो जाएगा ये हमारा सेकेंड स्टेज, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे रेशियो, हाँ इसमें फर्स्ट स्टेज में जो रिडक्शन जो है वो आपको 0.4 दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब है ध्यान से समझिए, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे क्या हो रहा है परसेंटेज ऑफ क्या है ना रिडक्शन इन कितना हो जाएगा हमारा क्या है ना फर्स्ट स्टेज रिडक्शन इन क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेज, ये आपको कितना दिया हुआ है 0. कितना है आपके 4 के बराबर है। अब यहाँ से याद रखिएगा ये फर्स्ट स्टेज में रिडक्शन कितना दिया हुआ है 0.4 के बराबर है, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेज में रिडक्शन अगर हम बात करते हैं एरिया में तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा ए वन बाई ए नॉट, कोई दिक्कत, और जब 1 माइनस ए वन बाई ए नॉट हो गया इक्वल टू 0.4 हो गया, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ए वन बाई कितना हो जाएगा ए नॉट का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस 0.4 0.6 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बात करते हैं तो ए वन जो हो जाएगा 0.6 इंटू कितना हो जाएगा ए नॉट के बराबर हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है सेकेंड स्टेज में रिडक्शन, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है रिडक्शन इन सेकेंड स्टेज, तो सेकेंड स्टेज का जो रिडक्शन जो है वो आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 0.3 दिया हुआ है।
ठीक है। तो सेकंड स्टेज का जो रिडक्शन जो हो जाएगा, वन माइनस फाइनल एरिया कितना हो जाएगा ए टू, और इनिशियल एरिया कितना हो जाएगा ए वन, सॉरी इनिशियल एरिया कितना हो जाएगा हमारा, हाँ नहीं यहाँ पे ए वन होगा ना, क्योंकि कहने का मतलब फाइनल जो हमारा सेकंड स्टेज है वो कहाँ से आया है, फर्स्ट स्टेज के बाद ही आया है ना, तो ए टू बाई कितना हो जाएगा ए वन ही होगा, वन माइनस ए टू बाई ए वन ए जीरो पॉइंट थ्री के बराबर हो गया। तो यहाँ से बात करते हैं ए टू बाई कितना हो जाएगा, ए वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए जीरो पॉइंट सेवन के बराबर है। तो यहाँ से बात करते हैं ए टू जो होगा वो जीरो पॉइंट सेवन इंटू कितना हो जाएगा ए वन के बराबर हो गया। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि द ओवरऑल फ्रैक्शन रिडक्शन, यानी ओवरऑल फ्रैक्शन रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, ओवरऑल क्या है हमारा फ्रैक्शन रिडक्शन, ठीक है। तो ओवरऑल के बारे में बात करते हैं, यानी इनिशियल और फाइनल हमको कंसीडर करना है। तो ओवरऑल रिडक्शन यानी वन माइनस कितना हो जाएगा फाइनल ए टू है, और इनिशियल कितना हो जाएगा ए नॉट है। कोई दिक्कत, तो यहाँ ए टू के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन माइनस कितना हो जाएगा ए टू के जगह जीरो पॉइंट सेवन इंटू ए वन लिख सकते हैं ना, 0.7 इंटू कितना हो जाएगा ए वन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू वन माइनस 0.7 इंटू ए वन के जगह हम क्या लिखेंगे 0.6 इंटू ए नॉट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0.6 इंटू कितना हो जाएगा हमारा ए नॉट, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ए नॉट, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो ए वन माइनस कितना हो जाएगा 7×42, यानी कहने का मतलब है 0. कितना हो जाएगा 42। तो यानी कहने का 42 8 50 और 5000, यानी कहने का 0. क्या हो जाएगा 58। यही हमारा क्या हुआ ओवरऑल रिडक्शन आया, किसके आया हमारा 0.58 जो है ओवरऑल रिडक्शन आया, ठीक है। यहाँ पे एक शॉर्ट मेथड भी है मेरे पास, जो कि क्या है ना उसको तो आपको 2 सेकंड में क्या है ना आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब है आपका पहला रिडक्शन आपको कितना दिया हुआ है, पहला रिडक्शन 0. कितना है 4 दिया हुआ है, और उसके बाद कितना है हमारा, उसके बाद कितना है हमारा 0.3 दिया हुआ है। ओवरऑल क्या है ना रिडक्शन आपको क्या है ना निकालना है, ठीक है, ओवरऑल क्या है ना रिडक्शन निकालना है। तो यहाँ से एक काम कीजिए, हाँ ओवरऑल रिडक्शन के लिए क्या हो जाएगा n1 प्लस कितना हो जाएगा n2 माइनस कितना हो जाएगा n1 इंटू कितना हो जाएगा n2। तो यहाँ से 0.4 प्लस कितना हो जाएगा 0.7 ऐसे 0.3 और माइनस कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 0. कितना हो जाएगा 3। तो यह कितना हो जाएगा 0.7 माइनस कितना हो जाएगा 0. कितना हो जाएगा 12। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं 0.7 और 0. कितना 12, ये हमारा 0. कितना हो जाएगा 58, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ओवरऑल रिडक्शन अगर है तो 0.4 क्या है हमारा, ये फर्स्ट स्टेज का था, ये क्या है हमारा फर्स्ट स्टेज का था, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा सेकंड स्टेज का था। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आपको बात करें रिडक्शन, ओवरऑल रिडक्शन बात करें तो ये n1 प्लस n2 माइनस n1 इंटू n2। तो ये आपको इसी फार्मूला पे हमने सेट करके निकाल दिया। अगर रिडक्शन जब इंक्रीज करेगा तो हमेशा क्या ना ड्राइंग ऑपरेशन में क्या होता है ना एरिया हमारा रिड्यूस ही करता है, वायर ड्राइंग है ना, तो पहले हमारा जो ब्लैक मतलब जो वर्कपीस जो होता है यहाँ n1 प्लस n2 माइनस ही रहेगा, वो माइनस ही रहेगा, वो प्लस नहीं करना है, क्योंकि हमारा रिडक्शन है। तो ये शॉर्ट में क्या है ना आप इसको इससे आप बना सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो मेथड तो हमारा क्या है ना यही है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, तो जैसे गेट के जगह यहाँ पे क्या है ना प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये आपको क्या है ना पीए इंजीनियरिंग में कितना में 2000 कितना है 16, ये गेट कितना है 2000 कितना हो जाएगा हमारा 16 में क्या है, या प्रोडक्शन गेट क्या है, गेट जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच है पीआई में क्या है हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, 2 सॉलिड सिलेंडर ऑफ इक्वल डायमीटर हैव डिफरेंट हाइट। पहला क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए कि 2 सॉलिड सिलेंडर है, चलिए ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा सॉलिड सिलेंडर, ये हमारा हुआ पहला, ठीक है। और उसके बाद क्या है ना एक दूसरा क्या है हमारा क्या है सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ये दूसरा सॉलिड सिलेंडर है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इक्वल डायमीटर हैव डिफरेंट हाइट, कहने का मतलब है कि इसका भी डायमीटर कितना हो जाएगा डी है, और इसका भी डायमीटर कितना हो जाएगा यहाँ पे डी है, लेकिन हाइट क्या हो जाएगा डिफरेंट है। दैट मीन्स अगर ए मान लीजिए h1 हाइट है तो ए हमारा कितना हो जाएगा मान लीजिए कितना है h2 हाइट है। उसके बाद क्या बोल रहा है, दे आर कंप्रेस्ड प्लास्टिकली बाई अ पेयर ऑफ रिजिड डाई टू क्रिएट द सेम परसेंटेज रिडक्शन इन दियर रिस्पेक्टिव हाइट, कहने का मतलब है कि h1 और h2 में कहने का मतलब है परसेंटेज रिडक्शन,
परसेंटेज रिडक्शन इन कितना हो जाएगा हाइट, ए आपको क्या दिया हुआ है सेम दिया हुआ है, यानी दोनों केस में जो है ना हाइट का रिडक्शन हमारा क्या हो रहा है सेम हो रहा है। क्या बोल रहा है, कंसीडर दैट द डाई वर्कपीस इंटरफेस फ्रिक्शन नेग्लेजिबल है, द रेशियो ऑफ द फाइनल डायमीटर ऑफ द शॉर्टर सिलेंडर टू दैट ऑफ द क्या है लॉन्गर सिलेंडर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है डायमीटर ऑफ क्या है ना, यहाँ पे डायमीटर ऑफ क्या है शॉर्टर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ क्या है ना हमारा लॉन्गर सिलेंडर के बारे में क्या है यहाँ पे बात यहाँ पे कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हाइट यहाँ पे h1 है यहाँ पे कितना हो जाएगा h2, और उसके बाद क्या है ना डायमीटर यहाँ पे क्या है हमारा सेम है, ठीक है। यहाँ दोनों को क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारा सिलिंड्रिकल बॉडी है तो इसको एक पेयर ऑफ डाई से क्या कर रहे हैं कंप्रेस कर रहे हैं, हाइट इक्वल है, डायमीटर में हमारा क्या हो गया चेंजिंग होगा, ठीक है। अब जो डायमीटर में जो चेंज होगा उसी का हमारा क्या करना है हमारा रेशियो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या बताए हैं, अगर मान लीजिए कि ए हमारा डी है, ए हमारा रिड्यूस होकर के आ जाता है डी वन और ए रिड्यूस होकर के आ जाता है हमारा डी टू, समझ में आ रहा है, ए डी वन है ए हमारा रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा हमारा डी टू है, डी टू जो है हमारा एक तरीके से मानकर चलिए हमारा शॉर्टर डायमीटर है और डी वन जो है एक तरीके से हमारा लॉन्गर डायमीटर है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि इसको कंप्रेस कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो दोनों का हमारा क्या है कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। जब वॉल्यूम जब हमारा क्या है ना कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू कितना हो जाएगा लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। अगर आप क्या पढ़े होंगे डिफ्रेंशिएशन जिसमें क्या है ना 11th क्लास का आपको यूनिट नंबर 1 यूनिट डायमेंशन उसमें क्या है ना एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए जो आपका जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा जेड है तो इसको लिख सकते हैं डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा डी जेड बाई कितना हो जाएगा जेड, ऐसा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ ए अगर इसको निकालेंगे तो डी ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ए प्लस कितना हो जाएगा डी एल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एल इक्वल टू ए, तो कॉन्स्टेंट हमारा कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डी ए मतलब चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया कहने का मतलब है डी से हमारा कितना हो जाएगा डी वन हो रहा है, तो यानी कहने का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कहने का मतलब है कि पाई बाई फोर इंटू कितना हो जाएगा हमारा डी वन के होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा पाई बाई फोर इंटू कितना हो जाएगा डी ओ के होल स्क्वायर सॉरी डी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा इनिशियल यानी पाई बाई फोर इंटू कितना हो जाएगा डी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया और प्लस और dl by l जो है ना ये बोल रहा है कि हाइट में रिडक्शन इन हाइट क्या है ना हमारा सेम है, तो हाइट अगर सेम है तो इसके जगह पे आप क्या कर लीजिए x लेकर चलिए, ठीक है। ये हमारा इक्वल टू हमारा क्या है जगह जीरो इक्वेशन नंबर वन इसको लेकर चलिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए पाई बाई फोर तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना पाई बाई फोर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा डी वन स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा डी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा जीरो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सिमिलरली हम क्या करते हैं सेकंड केस में क्या है ना इस कॉन्सेप्ट को अगर लगाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा डी टू स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा जीरो, ये दोनों में हमारा हाइट सेम बोल रहा है इसीलिए दोनों को क्या करना है हमको एक्स ही एज्यूम करके चलना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे आर एच एस दोनों का सेम है तो हम क्या कर सकते हैं एल एच एस दोनों को हम क्या कर देंगे सेम कर देंगे, ठीक है। तो यहां से आपको क्या है ना मैं बता रहा हूं, ठीक है, यहां से नहीं चलिए नेक्स्ट पेज से। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि डी वन स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स इक्वल टू डी टू स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स, देखिए एक्स एक्स क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा डी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डी वन स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू डी टू स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो डी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टू, तो यहाँ से बात करते हैं डी टू बाई कितना हो जाएगा डी वन का वैल्यू क्या करेंगे वन, यही आपको क्या है पूछ रहा है, यही हमारा क्या आंसर है। इसमें मेन कॉन्सेप्ट हमने लगाया वॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ से हमने डिफ्रेंशिएट करके आंसर आपको निकाल दिया, ठीक है। मीटर एंड क्या है ना 100 mm लेंथ, देखिए डायमीटर यहाँ पे कितना दिया हुआ 10 mm दिया हुआ है और इसका लेंथ जो है हमारा कितना दिया हुआ 100 mm क्या है इसका लेंथ दिया हुआ है। इज रिड्यूस्ड इन क्रॉस सेक्शनल बाई ड्रॉइंग इट सक्सेसफुली थ्रू अ सीरीज ऑफ 7 डाइज,
इसमें याद रखिएगा कि नंबर ऑफ क्या है ना, डाइज यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 7 डाइज यहाँ पे बोल रहा है, यानी 7 ऑपरेशन के बाद ये डायमीटर को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, डिक्रीजिंग एग्जिट डायमीटर, यानी पहले 10 mm था और 7 डाई ऑपरेशन के बाद उसका जो डायमीटर जो फाइनल जो होता है ना वो हमारा रिड्यूस करता है, यानी कितने पास से गुजरना पड़ता है, 7 पास। अब जो सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ड्यूरिंग ईच ऑफ दिज ड्रॉइंग ऑपरेशन द रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन इज कितना है, 35%। कहने का मतलब है कि प्रत्येक क्या है हमारा रिडक्शन में, प्रत्येक हमारा क्या है जो भी रिडक्शन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का हो रहा है 35%, यानी कहने का मतलब है कि हमारा ईच रिडक्शन 1 माइनस कितना हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं ए फाइनल बाई कितना हो जाएगा, ए ओरिजिनल का वैल्यू कितना है 0.35, ये आपको यहाँ से हमारा दिया हुआ है। द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल आपको दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि सिग्मा आपको दिया हुआ है कितना, 200 मेगा पास्कल इसका वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, इग्नोर स्ट्रेन हार्डनिंग को क्या करना है, इग्नोर करना है और आपको निकालना है पहले ट्रू स्ट्रेन, उसके बाद क्या है ना हमारा फाइनल क्या है ना लेंथ, फाइनल इसका लेंथ क्या हो जाएगा और उसके बाद क्या है ना ट्रू स्ट्रेन निकाल लेना है, और उसके बाद क्या है ना ड्रॉइंग द बार, ये हमारा क्या हुआ फ्रिक्शन एंड रिडक्टेंट वर्क, द फोर्स निकालना है, क्या है हमारा, देखिए क्या क्या निकालना है, पहला नंबर लिखिए, पहला नंबर जो है हमारा जो निकालना है वो हमारा क्या हुआ टोटल ट्रू स्ट्रेन, ये हमारा क्या हुआ ट्रू स्ट्रेन क्या है यहाँ पे निकाल लेना है, टोटल ट्रू स्ट्रेन अप्लाइड एंड द फाइनल लेंथ, और क्या निकालना है एल फाइनल का वैल्यू आपको यहाँ पे निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, सेकेंड नंबर में बोल रहा है फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना है और आपको फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ड्रॉइंग इन द बार थ्रू द फर्स्ट डाई, यानी कहने का मतलब है सेकेंड में फोर्स ठीक है रिक्वायर्ड ऑन फर्स्ट डाई, याद रखिए। अब इस चीज को क्या है ना हमको क्या है ना सॉल्व करने के लिए, अब देखिए क्या कंडीशन यहाँ पे लेकर चलते हैं, पहले से याद रखिए क्या कि कितने डाई से इसको गुजरना पड़ रहा है, 7 डाई से यहाँ पे गुजरना पड़ रहा है। तो यहाँ से देखिएगा, अगर मान लीजिए कि फर्स्ट डाई के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि इसके लिए 4 क्या है फर्स्ट डाई के लिए, तो फॉर फर्स्ट डाई के लिए यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कितना हो जाएगा A1 बाई कितना हो जाएगा A नॉट इक्वल टू कितना 0.35, कोई दिक्कत। यहाँ से हम बात करते हैं तो A1 बाई कितना हो जाएगा A नॉट इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.35 यानी 35, 45 और 60 कितना हो जाएगा 100, यानी कहने का मतलब है 0. कितना हो जाएगा 65, ये हमारा 0. कितना है 65 आ गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं A1 इक्वल टू 0.65 इंटू कितना हो जाएगा A नॉट। सिमिलरली हम क्या लिखते हैं फोर सेकेंड डाई, क्या लिख सकते हैं सेकेंड डाई के लिए, यानी 1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे A2 बाई कितना हो जाएगा A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0. कितना हो जाएगा 35 ही दिया हुआ है, क्योंकि हर डाई में रिडक्शन 0.35 है। तो यहाँ से भी हम बात कर सकते हैं, तो यहाँ से A2 बाई कितना हो जाएगा A1, A2 बाई A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.65। तो यहाँ से लिख सकते हैं A2 इक्वल टू 0.65 इंटू कितना हो जाएगा A1, और A1 के जगह 0.65 A0 है, तो 0.65 इंटू 0.65 इंटू कितना हो जाएगा A0, ये हमारा A2 के जगह पे हो गया। उसी तरह के अब हमारा थर्ड डाई के लिए अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो A3 जो हो जाएगा वो तो हमारा कितना हो जाएगा 0.65 इंटू कितना हो जाएगा A2। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे A4 बात करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.65 इंटू कितना हो जाएगा A3। अगर A5 अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 0.65 इंटू A4। अगर हम A6 बात करते हैं तो ये हमारा 0.65 इंटू A5। अगर हम यहाँ A7 अगर बात करते हैं तो 0.65 इंटू A6। तो ये हमारा क्या हुआ 7, हमारा A7 तक यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ पे बात क्या करना है हमको, ट्रू स्ट्रेन और क्या बोलते हैं फाइनल लेंथ के बारे में यहाँ पे हमको बात करना है, ठीक है। तो
तो यहाँ से हम सबसे पहले हम मेटल फॉर्मिंग हम आपको बताएं कि जो वॉल्यूम जो होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट हो जाएगा तो जो इनिशियल जो हमारा क्या है ना वॉल्यूम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि पाई बाई फोर इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे डी ओ स्क्वायर ओरिजिनल एरिया और इंटू लेंथ हमारा ओरिजिनल इक्वल टू पाई बाई फोर इंटू कितना हो जाएगा डी फाइनल का स्क्वायर और इनटू कितना हो जाएगा यहाँ पे एल फाइनल। तो यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ से देखिए पाई बाई फोर ठीक है इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा डी ओ का होल स्क्वायर, कहने का हमारा ओरिजिनल हमारा कितना 10 है तो इसको हम क्या करते हैं 100 लिख देंगे इनटू ओरिजिनल लेंथ हमारे पास कितना है 100 यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए फाइनल एरिया जो है A7 जो है ये आपको 0.65 इंटू कितना हो जाएगा हमारा A6 यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब हम इसको अगर हम लिखेंगे ये पाई बाई फोर डी एफ स्क्वायर की जगह क्या है ना A7 यहाँ पे लिख सकते हैं A7 इंटू कितना हो जाएगा LF। तो A7 को हम क्या लिख सकते हैं देखिए 0. कितना हो जाएगा 65 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे A6 लिख सकते हैं ठीक है। और A6 के जगह पे क्या लिख सकते 0.65 इंटू A5 यानी कहने का मतलब है 0.65 इंटू कितना हो जाएगा A5 लिख सकते हैं और A5 के जगह हम क्या लिख सकते हैं 0.65 इंटू A4 ये हमारा 0.65 इंटू कितना हो जाएगा A4 और A4 के जगह फिर क्या लिख सकते हैं हम 0.65 इंटू A3 हाँ इंटू क्या हो जाएगा A3 के जगह हम लिख सकते हैं 0.65 इंटू कितना हो जाएगा A2 और A2 के जगह हम लिख सकते हैं 0.65 इंटू कितना हो जाएगा A1 और A1 के जगह हम लिख सकते हैं 0.65 इंटू कितना हो जाएगा A0। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कहने का मतलब है 0.65 to the power 7 इंटू कितना हो जाएगा A0 इंटू कितना हो जाएगा हमारा LF और ये पाई बाई फोर डी ओ स्क्वायर एक तरीके से हमारा ओरिजिनल एरिया ही है इंटू कितना हो जाएगा 100 A0 से A0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये जो फाइनल लेंथ जो है वो 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.65 to the power कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि आखिर ये कितना आ रहा है। L0 का दिया हुआ है ना 100 तभी तो यहाँ पे 100 लिए हैं। क्यों पाई बाई फोर डी स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ यही तो हमारा वॉल्यूम होता है। ये आपको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2039.88 ए हमारा एमएम में आएगा यानी कहने का मतलब है जो आपका ऑप्शन जो है 2040 ठीक है ये हमारा कितना हो जाएगा एमएम जो है आपका है इसमें क्या है ऑप्शन में आपको क्या है ना इसके करीब में 2043 यानी कहने का मतलब 2043 एमएम जो है आपको यहाँ पर टिक करना है। तो ये हमारा क्या हुआ फाइनल लेंथ आपको क्या है ना निकल गया। अब हमको क्या निकालना ट्रू स्ट्रेन तो एक बात बताइए ट्रू स्ट्रेन हम निकालने के लिए क्या बताए थे LN कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा E होता है। तो यहाँ से बात करते हैं LN L फाइनल बाई कितना हो जाएगा L ओरिजिनल तो यहाँ से बात करेंगे LN L फाइनल कितना है 2043 ही लेकर चलिए और ओरिजिनल आपको कितना है 100 जब इसको आप क्या है ना सॉल्व कीजिएगा ये आपको आ जाएगा 3.01 कहने का मतलब है कि टोटल ट्रू स्ट्रेन जो है हमारा कितना आया 3. कितना हो जाएगा 01 दे ये हमारा करेक्ट आंसर है टोटल ट्रू स्ट्रेन का वैल्यू ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल लेंथ का वैल्यू। एक चीज़ क्या है ना और इसमें क्या है ना बच गया एक चीज़ और बच गया कोई दिक्कत है ये 2040 है बट ऑप्शन में आपको 2043 है इसके करीब जो आपको लेकर चलना है। अब यहाँ पे जो आपको क्या है ना बोल रहा है कि फोर्स निकालना है रिक्वायर्ड ऑन क्या है ना फर्स्ट डाई ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है आपको फोर्स यहाँ पे निकालना है तो ठीक है जब हम क्या है ना फोर्स जब यहाँ पे निकालेंगे ये पार्ट नंबर क्या है ना सेकंड है ये फर्स्ट डाई का बात कर रहा है ठीक है। आपको यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है तो यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ से हम लेकर चलेंगे जो हमारा फोर्स जो होगा क्या हो जाएगा हमारा
फोर्स, ठीक है। तो फोर्स जो हो जाएगा, याद रखिएगा, ये हमारा क्या होता है, सिग्मा नॉट इनटू, अब यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट डाई के बाद क्या फोर्स होगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ए वन लेंगे, ओरिजिनल मतलब ए वन यानी फर्स्ट जो स्टेज का एरिया होगा वो लेंगे, और यहाँ पे एल एन क्या करेंगे हम, ए नॉट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ए फाइनल यहाँ पे हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 200 मेगा पास्कल इंटू ए वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट का जो हमारा एरिया जो है, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम फर्स्ट का अगर हम एरिया यहाँ से निकालें तो हमारा कितना हो जाएगा, फर्स्ट का एरिया जो है 0.65 इंटू ए नॉट, कहने का मतलब है कि 0.65 अब इंटू ए नॉट कितना हो जाएगा हमारा पाई बाई 4 इंटू कितना हो जाएगा डी ओ स्क्वायर, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा 100 और इंटू एल एन, और यहाँ से कितना हो जाएगा ए नॉट बाई ए फाइनल, ठीक है, ए नॉट बाई कितना हो जाएगा हमारा ए फाइनल। तो फाइनल मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वन ही लेकर चलेंगे ना, फर्स्ट स्टेज पे ही बात कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए नॉट और डिवाइडेड बाई ए वन के जगह पे हम यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.65 इंटू कितना हो जाएगा ए नॉट, ठीक है, यहाँ ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, जब इसको सॉल्व ये हमारा कितना है 4398, ये हमारा न्यूटन में है, अगर किलो न्यूटन में बात करेंगे तो 4.398 किलो न्यूटन जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फोर्स यहाँ पे निकलेगा। एक गेट 2008 में क्या है ना पूछा हुआ था कि इन अ रोलिंग प्रोसेस थिकनेस ऑफ अ स्ट्रिप इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 mm टू 3 mm यूजिंग 300, यानी कहने का मतलब है कि एच नॉट यहाँ पे दिया हुआ है 4 mm और एच एफ जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है 3 mm। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 300 mm डायमीटर, कहने का मतलब है कि रोलर डायमीटर कितना हो जाएगा 300 mm आपको क्या है दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि 100 rpm से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये हमारा क्या है 100 rpm से क्या है ना रोटेट कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिप एट द न्यूट्रल पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिप, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिप एट न्यूट्रल पॉइंट। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जैसे देखिए ये हमारा क्या हुआ रोलर हो गया, उसके बाद क्या है ना बात करते हैं यहाँ से हमारा एच नॉट और ए हमारा कितना हो जाएगा एच एफ, जो कि हमारा इनिशियल थिकनेस है और ए हमारा क्या है फाइनल थिकनेस है, ठीक है। ए हमारा कितना हो जाएगा ओ और ए भी हमारा क्या हो जाएगा सेंटर कितना हो जाएगा हमारा ओ। न्यूट्रल पॉइंट हम आपको बताए थे कि ए वाला जो हमारा क्या है ना प्लेन है, ए हमारा क्या हो जाएगा न्यूट्रल प्लेन, और इस प्लेन पे जो वेलोसिटी होता है, यानी कहने का मतलब है कि न्यूट्रल प्लेन पे स्लिपिंग कंडीशन हमारा नहीं होता है, ठीक है। हम बताए थे कि न्यूट्रल प्लेन के अगर आप लेफ्ट में जाइएगा तो बैकवर्ड स्लिप होता है, और इसके इधर जाइएगा आप राइट में तो फॉरवर्ड स्लिप होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो न्यूट्रल प्लेन पे, ध्यान से रखिएगा, न्यूट्रल प्लेन पे जो वेलोसिटी होगा वो हमारा किसका वेलोसिटी होगा, रोलर का ही वेलोसिटी होगा। अगर बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिप एट न्यूट्रल पॉइंट, तो इसका इनडायरेक्टली है कि बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ क्या है ना रोलर निकालिए। तो याद रखिएगा कि न्यूट्रल पॉइंट पे जो वेलोसिटी जो होता है वो हमारा क्या होता है रोलर का ही सरफेस वेलोसिटी होता है। तो यहां से अब तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, और जो हमारा रोलर जो वेलोसिटी जो होता है वो हमारा कितना हो जाएगा पाई डी एन बाई कितना हो जाएगा 60, इसका यूनिट कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अगर हम यूनिट के बारे में बात करें, बोल रहा है मीटर पर सेकंड में ही निकालने के लिए। अब यहां से देखिए क्या चीज दिया हुआ था, देखिए यहां से पाई रोलर का डायमीटर आपको दिया हुआ है 300, देखिए ये एम एम में ले रहे हैं, तो जब एम एम में यहाँ पे नहीं, यहाँ मीटर में लेना है, यानी कहने का मतलब है 0.3 इंटू एन हमारा आर पी एम आपके पास दिया हुआ है 100 और डिवाइडेड कर दीजिए आप 60 से, ठीक है। अब इसको जब आप क्या है ना सॉल्व कीजिएगा, वन पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 57, ये हमारा 1.57 मीटर पर सेकेंड जो है वो हमारा क्या हुआ वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा हमारा रोलर निकला, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा सीट मेटल ऑपरेशन से है, जो हमारा क्या है किससे, सीट मेटल ऑपरेशन से, सीट मेटल ऑपरेशन, सीट मेटल ऑपरेशन से हमारा क्वेश्चन है। पहले हम बात करते हैं गेट 2003,
गेट 2003 के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था कि अ सेल ऑफ कहना 100 mm डायमीटर, डायमीटर इसका कितना दिया हुआ है 100 mm डायमीटर, एंड क्या बोलते हैं 100 mm कितना हो जाएगा हाइट। अच्छा क्या दे रहा है हमारा 100 mm डायमीटर है और ये हमारा कितना हो जाएगा हाइट जो है वो हमारा कितना हो जाएगा इसका 100 mm ही है। ठीक है उसके बाद क्या है ना 0.5 कॉर्नर रेडियस दिया हुआ है, आर का वैल्यू कितना है 0. कितना हो जाएगा 4 mm। ठीक है उसके बाद क्या बोलता है टू बी प्रोड्यूस्ड बाई कप ड्रॉइंग, ओके सीट मेटल ऑपरेशन में ये हमारा क्या ना कप ड्रॉइंग का, ये मतलब क्या हुआ ड्रॉइंग का क्वेश्चन है, किससे है हमारा है ये ड्रॉइंग का क्वेश्चन है। ठीक है ड्रॉइंग का क्वेश्चन है और यहाँ से हम बात करेंगे कि द रिक्वायर्ड ब्लैंक डायमीटर। ठीक है डायमीटर और ब्लैंक के बारे में बात की, थोड़ा सा इसके बाद इसको हम समझाते हैं। देखिए ड्रॉइंग में हम क्या बताए थे, अगर मान लीजिए कि ये हमारा क्या हुआ ब्लैंक है, ये हमारा क्या हुआ इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं ब्लैंक, तो ब्लैंक का डायमीटर ये हमारा डी है। ठीक है ब्लैंक का डायमीटर ये जो होता है ये हमारा ब्लैंक का क्या होता है थिकनेस होता है, और इसको इसी के वजह से क्या कर एक कप क्या कर आप मान लीजिए क्या ना ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो कप जो आप ड्रॉ कर रहे हैं तो कुछ इसका इस तरीके से हमारा क्या हुआ कप क्या होगा होगा ये कुछ इस तरीके से होगा, ये जो हमारा स्मॉल डी होता है जो हमारा क्या डायमीटर ऑफ द कप, उसके बाद ए हमारा क्या हो जाएगा ए हमारा हेच होता है और ए हमारा कितना हो जाएगा आर होता है। ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ये जो स्मॉल आर जो देख रहे हैं ना ये हमारा क्या हुआ कॉर्नर रेडियस, यही हमारा क्या हुआ कॉर्नर रेडियस है, उसके बाद ये डी जो है वो हमारा क्या हुआ डायमीटर ऑफ कप, डायमीटर ऑफ क्या है ना कप, ए हमारा हेच है ए हमारा हाइट ऑफ कप, ए हाइट ऑफ क्या है हमारा कप है, उसके बाद क्या है ना जो कैपिटल डी जो है ये हमारा ब्लैंक डायमीटर है, ये हमारा है ब्लैंक डायमीटर, ये चोटी जो देख रहे हैं वो हमारा थिकनेस, ये हमारा क्या थिकनेस ऑफ क्या बोलता है ब्लैंक। अब यहाँ से बात करते हैं, अब जो चीज़ दिया हुआ है आपको यहाँ से अच्छा समझ में आया होगा। अब यहाँ से देखिए हम बात करते हैं ब्लैंक डायमीटर डी इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर कितना हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4dh। ये कब होता है जब डी का वैल्यू हमारा 20 r से हमारा क्या होता है ज़्यादा होता है। ठीक है यानी कहने का मतलब ये है कि 20 r से या कॉर्नर रेडियस यहाँ पे कितना हो जाएगा r है 20 में अगर हम आधी मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 × 80 = 8 यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो हमारा डी का जो वैल्यू जो दिया हुआ है ये हमारा जो डायमीटर जो है ये हमारा स्मॉल डी है, ये हमारा स्मॉल डी है, तो कहने का मतलब है कि हमारा डी जो होना चाहिए जब हमारा 20 r से जब हमारा ज़्यादा हो, यानी कहने का मतलब है डी हमारा कितना हो जाएगा 100 है और 20 r का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 20 × r का वैल्यू 0.4 यानी 8 हो जाएगा, तो 100 इज ग्रेटर देन 8 मतलब क्या हुआ ये फार्मूला ही हमारा लगेगा, यानी रूट अंडर हम क्या करेंगे डी स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है कि 100 का यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस 4 × कितना हो जाएगा डी यानी कहने मतलब 100 अब इंटू हाइट एच के जगह पे हम यहाँ पे क्या ले लेंगे यहाँ पे 100 लेकर चलेंगे, और जब इसको जब हम आप सॉल्व करेंगे ब्लैंक डायमीटर जो होगा 223.60 2003। ये हमारा गेट मैकेनिकल 2003 में क्वेश्चन पूछा कि मेटल डिस्क ऑफ क्या ना 20 mm डायमीटर। ठीक है डिस्क है जिसका डायमीटर कितना है हमारा 20 mm है, इज टू बी पंच्ड फ्रॉम अ सीट ऑफ कितना 2 mm थिकनेस, थिकनेस यहाँ पर दिया हुआ है आपका 2 mm दिया हुआ है, द पंच एंड द डाई क्लियरेंस इज कितना है 3%, ये हमारा सी के जगह कितना दिया हुआ है आपको 3% दिया हुआ है। ठीक है द रिक्वायर्ड क्या है ना पंच डायमीटर, क्या बोल रहा है हमारा कि पंच डायमीटर क्या है ना आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है चलिए यहाँ पे एक चीज़ को क्या है ना हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है ना मान लीजिए कि हमारा क्या हुआ पंच, ठीक है ये हमारा कितना हो जाएगा पंच, उसके बाद क्या है ना मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो जाएगा वर्कपीस, उसके बाद ठीक है इसमें क्या कर रहे हैं पंचिंग कर रहे हैं, तो जैसे ही पंचिंग करेंगे तो क्या होता है कि देखिए ये हमारा क्या होता है क्लियरेंस होता है, ये हमारा क्या होता है क्लियरेंस होता है। ठीक है तो ये हमारा अगर मान लीजिए कि डाई का साइज अगर हमको निकालना है, ये हमारा क्या हुआ डाई साइज, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा ब्लैंकिंग मतलब क्या हुआ ब्लैंक साइज निकालना है, तो डाई साइज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा पंच साइज, यानी कहने का मतलब हो गया ये हमारा पंच साइज और प्लस सी, और सी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × क्लियरेंस। अगर डाई अलाउंस अगर दिया हुआ है तो यहाँ से क्या है प्लस क्या है डाई अलाउंस यहाँ पे ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अगर डाई अलाउंस दिया हुआ है तो प्लस क्या है डाई अलाउंस आपको क्या कर लेना है ले लेना है। यहाँ से आपको पंच डायमीटर है तो आपको डाई साइज आपको कितना दिया हुआ है 20,
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 20 mm इक्वल टू हमारा क्या हुआ, पंच साइज आपको निकालना है प्लस 2 × 3% क्या है ना क्लियरेंस। तो क्लियरेंस कहने का मतलब 0.03। अब इंटू क्या करेंगे, हम थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्लियरेंस क्या होता है हमारा थिकनेस पे ही देते हैं। कहने का मतलब है क्लियरेंस तो हम पंच पे दे रहे हैं, लेकिन अगर परसेंटेज में क्लियरेंस अगर दिया हुआ है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो आपका थिकनेस से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2। तो बिल्कुल जो हमारा क्या है, पंच का जो हमारा साइज जो होगा, ये जो पंच साइज जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 20 माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 × 0.03। ये जो हम कैलकुलेशन यहाँ पे क्या है करेंगे, ये 19.88, ये जो है हमारा 19.88 mm जो होगा ये हमारा पंच साइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ पे ही डिस्कस करेंगे। ये देखिए ये हमारा क्या है, गेट 2004 में एक क्वेश्चन पूछा है। गेट 2004 में क्वेश्चन पूछा कि 10 mm डायमीटर होल्स। देखिए कहने का मतलब होल का है, डायमीटर यानी कहने का मतलब है डायमीटर ऑफ अ होल। ये क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ क्या है ना होल, आपको क्या दिया हुआ है 10 mm। और ये जो डायमीटर ऑफ क्या है ना होल जो होता है ना, वो पंच साइज के बराबर होता है। तो यानी कहने का मतलब है कि पंच साइज भी आपको क्या दिया हुआ है, 10 mm आपको यहाँ पे दिया हुआ है। क्या आर टू बी पंच इन स्टील शीट ऑफ क्या है ना 3 mm थिकनेस आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3 mm। उसके बाद है कि सियर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, टाउ का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 400 newton per mm square। पेनिट्रेशन याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे पेनिट्रेशन जो है पी जो है वो आपको 40% क्या है बोलता है दिया हुआ है। कहने का मतलब है 40 मतलब क्या हुआ, 0. कितना हो जाएगा, 4। ये फ्रैक्शन में भी अगर रहेगा, पेनिट्रेशन टू थिकनेस रेशियो भी बोल सकते हैं इसको, या पेनिट्रेशन 0.4। सीयर प्रोवाइडेड ऑन द पंच चीज कितना है, यानी एस का वैल्यू कितना हमारा 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द ब्लैंकिंग फोर्स ड्यूरिंग द ऑपरेशन, कहने का मतलब है कि यहाँ पे ब्लैंकिंग फोर्स का वैल्यू यहाँ पे निकलने के लिए बोल रहा है। तो ब्लैंकिंग फोर्स जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, एफ मैक्स इंटू कितना हो जाएगा, पीटी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा एस। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो एस जो है वो पीटी से हमारा बड़ा है कि छोटा है। तो 0.4 इंटू कितना हो जाएगा, 3 कीजिएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1.2। देखिए ध्यान से देखिए, एस जो है ये हमारा कितना हो जाएगा, पीटी। तो PT अगर हम बात करते हैं P इंटू टी, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 0.4 × 3 यानी 1.2। तो S हमारा क्या ग्रेटर देन है, तो प्लस PT नहीं होगा, सिर्फ हमारा S होगा। तो यहाँ मैक्सिमम फोर्स कितना हो जाएगा, होल है यानी कहने का मतलब है सर्कुलर है, तो यहाँ L T टाउ यानी कहने का मतलब है कि पाई इंटू कितना हो जाएगा, डी इंटू कितना हो जाएगा थिकनेस टाउ टी, और इंटू कितना हो जाएगा हमारा टाउ। ये हमारा मैक्सिमम फोर्स हो गया। उसके बाद पेनिट्रेशन आपको कितना है, 0. कितना हो जाएगा, 4 दिया हुआ है, और थिकनेस क्या है ना आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और डिवाइड कर दीजिए जितना आपको क्या है ना एस दिया हुआ है, कितना 2। यहाँ से जब हम क्या है इसको पुट करेंगे तो पाई इंटू डायमीटर आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है होल का कितना हो जाएगा, 10। उसके बाद क्या हुआ, थिकनेस आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे 3, और इंटू ये हमारा टाउ का जो वैल्यू जो है ये हमारा कितना हो जाएगा, 400 दिया हुआ है, इंटू कितना हो जाएगा, 0. कितना हो जाएगा, 4 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 3, और डिवाइड कर देंगे हम यहाँ से 2 से। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि गेट मैकेनिकल 2010 में क्वेश्चन पूछा था, जो कि बहुत ही क्या है ना शानदार क्वेश्चन था, इसके बारे में क्या है हम डिस्कस करेंगे। बोल रहा है कि ना सीयर कटिंग ऑपरेशन और सीट ऑफ क्या है ना 5 mm थिकनेस, सीट का थिकनेस जो दिया हुआ है वो हमारा 5 mm दिया हुआ है। इज कट अलॉन्ग अ लेंथ ऑफ कितना हो जाएगा, 200 mm। ध्यान से रखिए, ये हमारा क्या बोलते इस तरीके से हमारा क्या ना सीट है, ये हमारा सीट है, ये हमारा कितना हो जाएगा मान लीजिए कितना, 200 mm। ठीक है, इसके अलॉन्ग क्या करते हैं हम कट कर रहे हैं, इसके अलॉन्ग हम क्या करते हैं कट कर रहे हैं, यानी लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, 200 mm। द कटिंग ब्लेड इज क्या है ना 400 mm लॉन्ग, कहने का मतलब है कि जो ब्लेड से जो हम कट कर रहे हैं वो इस तरीके से, ये हमारा क्या होना ब्लेड है, ये ब्लेड है, ये ब्लेड है, ये हमारा कितना हो जाएगा 400 mm क्या है ना, ये हमारा ब्लेड है। ठीक है,
एंड क्या बोलते हैं जीरो सीयर, क्या बोलते हैं कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो हमारा सीयर जो है एस का वैल्यू कितना है हमारा जीरो है। इज प्रोवाइडेड ऑन द एज द अल्टीमेट सीयर स्ट्रेंथ, टाउ का वैल्यू जो है हमारा दिया हुआ है 100 मेगा पास्कल। एंड पेनिट्रेशन टू थिकनेस रेशियो, पी का वैल्यू कितना है 0.2। नेग्लेक्ट फ्रिक्शन एज्यूमिंग वी एस मतलब डिस्प्लेसमेंट कर्व टू बी रेक्टेंगुलर, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे बात कर रहा है कि यहाँ पे वी एस डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट जो हमारा क्या है ना कर्व जो है वो हमारा क्या बन रहा है रेक्टेंगुलर। बोल रहा है कि वर्क डन इन कितना हो जाएगा जूल, क्या निकालना है हमको वर्क डन इन कितना हो जाएगा जूल, कितना वर्क डन किया है वो चीज क्या है ना आपको निकालना है, वर्क डन क्या है आपको निकालना है। तो देखिए वर्क डन निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि जो हमारा वर्क डन जो या एनर्जी ये हमारा क्या फॉर्मूला था कि मैक्सिमम फोर्स इनटू क्या होता है पंच ट्रेवल, यही तो हमारा क्या हुआ वर्क डन हुआ था। तो अगर मैक्सिमम फोर्स के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा एल टी टाउ इंटू कितना हो जाएगा पी इंटू टी। तो एल लेंथ ऑफ कट, तो लेंथ ऑफ कट तो हम क्या है ना 200 mm, इंटू टी हमारा क्या हो जाएगा थिकनेस हमारा 5 है, सीयर स्ट्रेंथ हमारा कितना हो जाएगा 100 है। उसके बाद जो हम बात करते हैं पेनिट्रेशन हमारा 0.2 है और थिकनेस फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 है। अगर हम 5 × 10 = 20 = 25 = 100 अगर हम यहाँ से हम बात करते हैं तो ये आपको जो है 100 जूल, ये क्या हमारा आ जाएगा 100 किस में है हमारा जूल में क्या है ना वर्क हमारा क्या है ये हमारा आएगा दोस्तों 100 जूल में जो है हमारा क्या है ना वर्क ये हमारा आएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो वर्क जो ये कितना किया है 100 जूल का वर्क किया है। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में क्या है ना हम समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है बोलता है यहाँ पे कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो सीयर जो है, कहने का मतलब है सेकंड पार्ट जो बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो सीयर को दे दीजिए आप 20, क्या दे दीजिए यहाँ पे 20 mm, ये हमारा सीयर कितना है 20 mm क्या है ना आपको सीयर यहाँ पे बोल रहा है देने के लिए, ठीक है। अब यहां से क्या बोल रहा है यहाँ पे इज नाउ प्रोवाइडेड ऑन क्या है ना ब्लेड, ध्यान से रखिए ये जो सीयर जो 20 mm बोल रहा है ना कि ब्लेड पे प्रोवाइड कर रहे हैं, किस पे ब्लेड पे प्रोवाइड कर रहे हैं। एज्यूमिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ओके ऊपर वाले में जो था ना फोर्स वर्सेस क्या है ना डिस्प्लेसमेंट रेक्टेंगुलर, यहाँ बोला फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व इज ट्रेपोजॉइडल, कैसा कर्व बन रहा है हमारा ट्रेपोजॉइडल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैक्सिमम फोर्स किलो न्यूटन क्या ना एग्जर्टेड, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे फोर्स का वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा क्या है ना सीयर 20 mm जो है ना वो ब्लेड पे है, तो ब्लेड का लेंथ कितना है 400, ध्यान से देखिएगा 400 mm क्या है 400 mm जो है हमारा 400 mm पे शेयर कितना प्रोवाइड कर रहे हैं 20 mm, तो 1 mm पर कितना शेयर प्रोवाइड करेंगे 20 बटे कितना हो जाएगा 400, लेकिन हमको तो कितना है 200 mm से मतलब है क्योंकि हम क्या है ना लेंथ कितना है 200 mm कट कर रहे हैं, तो यहां से हम लिखेंगे कि 200 mm पे कितना हो जाएगा 20 बटे कितना हो जाएगा 400 इंटू कितना हो जाएगा 200 से खत्म हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 10। यानी कहने का मतलब है कि जो सीयर का वैल्यू जो हम लेंगे यहाँ पे 10 mm क्या करते हैं यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब यहाँ से एग्जैक्टेड फोर्स बोल रहा था, एक कितना हो जाएगा मैक्सिमम फोर्स इंटू कितना हो जाएगा पी टी और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा एस होता है, तो मैक्सिमम फोर्स कितना हो जाएगा एल टी टाउ इंटू कितना हो जाएगा पी टी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एस। तो यहाँ से एल का जो वैल्यू जो दिया हुआ है आपके पास 200 इंटू थिकनेस हमारा कितना दिया हुआ है 5, टाउ यहाँ पे कितना दिया हुआ है 100 इंटू पी यहाँ पे कितना दिया हुआ है पी यहाँ पे दिया हुआ 0.2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 और डिवाइडेड बाई एस के जगह अब क्या कर लेंगे यहाँ पे 10। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा इतना का वैल्यू आपको क्या 100 जूल कितना आया है हमारा 100 जूल और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10, यानी कहने का मतलब है कि 10 न्यूटन जो है आपको यहाँ पे फोर्स निकलेगा, क्या निकलेगा हमारा 10 न्यूटन जो है आपको क्या निकलेगा यहाँ पे फोर्स निकलेगा यहाँ पे दोस्तों। अब यहाँ से हम थोड़ा सा यूनिट यहाँ पे चेक कर रहे हैं, एक मिनट हाँ
ये जो है हमारा 100 जूल नहीं है, हमारा 100 किलो जूल में है, और ये जो हमारा क्या हुआ 100 किलो जूल में था, और उसके बाद जो है हमारा क्या है यूनिट जो आएगा ये हमारा किलो न्यूटन, ये हमारा किस में आएगा 10 किलो न्यूटन। तो जो मैक्सिमम जो एग्जर्टेड जो प्रेशर जो आ रहा है वो हमारा 10 किलो न्यूटन का जो है मैक्सिमम एग्जर्टेड प्रेशर क्या है यहाँ पे हम बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये हमारा। तो 16 आज के सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बच रहा है, लास्ट क्वेश्चन को हम क्या है ना जल्दी क्या बोल रहा है यहाँ पे पंच साइज क्या है ना ये आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों। फॉर अ सर्कुलर ब्लैंकिंग ऑपरेशन फॉर विच डिटेल्स आर गिवेन, साइज ऑफ ब्लैंक क्या दिया हुआ है आपके पास, साइज ऑफ ब्लैंक बोल दीजिए या साइज ऑफ डाई बोल दीजिए, साइज ऑफ डाई बोल दीजिए, ये आपके पास कितना दिया हुआ है 25 mm का ये आपको दिया हुआ है। थिकनेस ऑफ द सीट, थिकनेस कितना दिया हुआ है 2 mm का दिया हुआ है। रेडियल क्लियरेंस बिटवीन पंच एंड डाई, सी का वैल्यू 0.06 mm दिया हुआ है, और यहाँ से देखिए डाई अलाउंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है डाई अलाउंस आपको दिया हुआ है 0.05 mm आपको दिया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ से हमको बात क्या करना है पंच साइज के लिए निकाला, तो हम आपको क्या बताए थे कि जो हमारा साइज ऑफ क्या है ना डाई, साइज ऑफ डाई जो होता है वो हमारा क्या होता है हमारा पंच साइज प्लस 2 क्लियरेंस प्लस क्या हो जाएगा डाई अलाउंस के बराबर होता है। तो साइज ऑफ डाई यहाँ पे कितना है 25 है, यहाँ पे पंच साइज आपको निकालना है, पंच साइज यहाँ पे निकालना है प्लस 2 क्लियरेंस का वैल्यू दिया हुआ है 0.06 प्लस डाई अलाउंस भी आपको यहाँ पे ऐड करेंगे कितना है 0.05, यहाँ से आपको पंच साइज यहाँ पे मिल जाएगा, पंच साइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पंच साइज का जो वैल्यू होगा ये आपको पंच साइज जो है ना 24.83 mm जो है ये हमारा क्या हुआ पंच साइज हुआ दोस्तों। तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन था जिसमें डाई अलाउंस दिया हुआ रहे, तो आप क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए और यहाँ से आपको क्या है ना आंसर निकल जाएगा। थोड़ा सा एक चीज़ हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये हमको क्या है ना वर्क पीस है, अगर मान लीजिए इसको पंचिंग कर रहा है, तो पंचिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से होल बनाएंगे, तो अगर हमारा पंचिंग प्रोसेस हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है अगर पंचिंग प्रोसेस में, तो ये जो होल जो आपको बना है ना इसको स्क्रैप, ये हमारा स्क्रैप होगा, और ये जो रिमेनिंग पोर्शन जो बच रहा है यही हमारा वर्कपीस होता है। अगर आपका ब्लैंकिंग ऑपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है ब्लैंकिंग ऑपरेशन हो रहा है, तो इसमें जो हम डिस्क क्या है ना निकालते, ये हमारा क्या हुआ डिस्क निकलेगा, ये हमारा क्या होता है हमारा वर्कपीस होता है, ये हमारा क्या होता है वर्कपीस होता है, और ये जो रिमेनिंग पोर्शन जो हुआ ये हमारा स्क्रैप होता है, ये हमारा स्क्रैप होता है दोस्तों। तो यही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्या करते हैं हम फिर कल से मिलेंगे नेक्स्ट, जो लिमिट टॉलरेंस और फिट के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। आप तब तक क्या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और करेंट अफेयर्स का भी वीडियो इस चैनल पर क्या है ना हर 3 दिन पर क्या है ना डलता है, आप उसको देखिए, आपको उम्मीद है अच्छा लगेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।